हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे जिन किसी का भी आज 28 को को करिकुलर एग्ज़ाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और आई थिंक कि आपने हमारी क्लासेस अटेंड की होंगी, अगर की हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। बस कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, 10 आएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं। तो 5 क्वेश्चन आपको हर हाल में करके आना है, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज है, तो किसी भी अगर क्वेश्चन में आप वो चीज़ एडजस्ट करके लिख सकते हो तो मेक श्योर आप उसे ज़रूर लिखें। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखें, थोड़ा सा एलेबोरेट करके और अपने जो वर्ड्स हैं उसमें लिखें, और जितना भी आपको पता है उस चीज़ के बारे में वो सब चीज़ें ज़रूर लिखें। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और बता दें कि ये मत सोचेगा कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखें, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट रहती हैं। तो आप जो पॉइंट है उसको एलेबोरेट वे में थोड़ा सा और सोच विचार करके आप उस चीज़ को लिखें, और अपना जो जितने भी विचार आपके आते हैं, जितने भी थॉट, जो भी आपके बिलीव्स हैं, वो सभी कुछ वहाँ पे एक्सप्रेस करके ज़रूर लिखें। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को समझें। और बाकी टेंशन नहीं लेना है, सब चीज़ आपके फेवर में होगा। और मेक श्योर आप हमें जो आपका पेपर होगा वो इंस्टाग्राम पे या तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दें, या फिर हमें जो हमारी मेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें मेल करके भी अपना पेपर ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि आप ही लोगों के लिए क्लास ये लगवाई थी हमने, और देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है। बाकी तो यहाँ पे पिछली बार जो अभी इससे पहले जो कुछ स्टूडेंट्स का कोरिकुलर कोर्स में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपका भी वैसे ही कुछ आएगा, देखते हैं। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट।